ब्राहीम सल् वामक क्लास नाइन उम्मीद है आप सबियत से होंगे आज हम करेंगे यूनिट सिक्स की एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री के कोश्चन वन के एट एंड नाइन पार्ट को इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सरसाइज़ सिक्स पॉइंट थ्री के क्वेश्चन वन के वन टू सेवन पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चन को डिसकस कर चुके हैं इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं आप इनसे रिलेटेड भी लैक्चर ले सकते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन वन के एटथ पार्ट के अने चलते हैं हमारा क्वेश्चन है यूज़ फैक्ट्राइजेशन टू फाइंड द स्केयर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो थ्री एक्सप्रेशन दिए गए हैं और इनकी हमने फैक्ट्राइजेशन करके तो इनका स्केयर रूट फाइंड करना है तो आइए सबसे पहले इनकी फैक्ट्राइजेशन फाइंड करते हैं हमारे पास जो वैल्यू है वो है एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू ठीक है एक एक्सप्रेशन इसके अंदर ये है उसके बाद सेकेंडली जो इसके साथ है वैल्यू वो है एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री और जबकि थर्ड जो वैल्यू है वो है एक्स स्यर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स तो हमें जो है इन थ्री टर्म्स का सेपरेट separate सेपरेटली इनकी फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है अब सबसे पहली जो टर्म है वो है एक्स स्यर प्लस थ्री एक्स प्लस टू तो जब भी हमारे पास इस अंदाज से कोई भी एक्सप्रेशन मौजूद हो जिसमें फर्स्ट वैल्यू स्केयर वाली फिर उसके बाद वेरिएबल एक्स के साथ और फिर कोई कॉन्स्टेंट टर्म हो तो उसकी फैक्टराइजेशन का तरीकेकार ये होता है कि हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है जैसे टू और एक्स स्केयर है तो टू और एक्स स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा टू एक्स स्केयर जबकि बिटवीन में है थ्री एक्स अब हमने कोई से दो ऐसे नंबर चूज करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो टू एक्स स्केयर आ जाए और उन्हीं दो को प्लस करें ऐड करें तो थ्री एक्स आ जाए ठीक है तो, तो वो नंबर्स क्या कौन से हैं वो टू के टेबल से ही हमें मिल जाएंगे अगर हम टू के टेबल वन टाइम रीड करेंगे तो टू वन टाइम टू एक्स केयर हो जाएगा और इन दोनों को ही हम अगर ऐड करेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाएगा और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे टू एक्स को और वन एक्स को तो ये थ्री एक्स भी आ जाएगा ठीक है तो टू के टेबल से ही हमें वो नंबर मिल गए हैं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और उन दोनों नंबर्स को प्लस करने से जो है बिटवीन वाली वैल्यू भी आ जाती है तो वो नंबर्स कौन से हैं 2x एक्स और वन एक्स टू वनज आर टू हो जाता है और 2x और 1x 3x भी आ जाता है ठीक है और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम वैसे का वैसे लिख लेंगे इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो थ्री और एक्स स्केयर को मल्टीप्लाई किया तो आ गया थ्री एक्स स्केयर जबकि बिटवीन में हमें रिक्वायर्ड है फोर एक्स तो ये भी हमारे थ्री टेबल से हो जाएगा थ्री वनजार थ्री करेंगे ठीक है तो थ्री को थ्री एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स आ जाएगा और थ्री एक्स में एक्स प्लस करेंगे तो थ्री एक्स और वन एक्स फोर एक्स भी हो जाएगा ठीक है तो ये दोनों नंबर हमें थ्री टेबल से मिल जाते हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और प्लस करने से बिटवीन वाला आंसर भी आ जाता है थ्री एक्स और वन एक्स मल्टीप्लाई करने से थ्री एक्स केयर हो जाता है और थ्री एक्स में वन एक्स प्लस करने से फोर एक्स भी आ जाता है और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हम वैसे की वैसे लिख देंगे अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिक्स वनजारिक्स एक्स केयर मल्टीप्लाई करने से सिक्स एक्स केयर आ रहा है फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है और बिटवीन में है फाइव एक्स अब दो नंबर इक्वाइड हैं मल्टीप्लाई करने से सिक्स एक्स केयर आए और उन्हीं दो को प्लस करने से जो है वो फाइव एक्स आए तो अगर हम टू का ही टेबल चूज करें तो टू एक्स को थ्री एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखें टू थ्री टाइम सिक्स एक्स हो जाता है और टू में थ्री प्लस करें तो फाइव एक्स भी आ जाता है तो दोनों कंडीशन इन दो नंबर्स की मदद से पूरी हो जाती हैं ठीक है तो लिहाजा वो दो पेयर्स कौन से हैं नंबर्स के जिनकी मल्टीप्लीकेशन से सिक्स के सिक्स एक्स आ जा आ जाता है जो कि मल्टीप्लीकेशन से हमें चाहिए और उन दोनों को प्लस करने से फाइव एक्स आ जाता है जो कि दरमियान में चाहिए वो हैं टू एक्स और थ्री एक्स ठीक है तो अब अगला स्टेप ये है कि हमने इन दोनों नंबर्स में से कॉमन लिखना है ठीक है तो एक्स स्केयर और टू एक्स में से देखें तो x दोनों में मौजूद है तो x कॉमन ले लिया इधर x की पावर टू है हमने एक पावर कॉमन ली है तो लिहाजा एक इस एक्स स्केयर की जगह पे बाकी रह गई उसके बाद प्लस आ गया ये x टू एक्स में से ये जो x है ये कॉमन आ गया हुआ है बाकी रह गया टू इन दोनों में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा तो इस सूरत में जब कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा होता तो हमें वन कॉमन लेना होता है ठीक है वन कॉमन लेंगे तो इधर रिमेनिंग एक्स प्लस टू ही रह जाएगा ठीक है इसी तरह से हमें यहाँ पे कॉमन लेना है तो एक्स के रोड थ्री एक्स में देखें तो इधर एक्स की पावर टू है इधर एक्स की पावर वन है तो एक्स दोनों में कॉमन है इधर एक्स की पावर टू है हमने एक पावर कॉमन लिया और एक एक्स बाकी रह गया प्लस ये एक्स तो हमारा कॉमन आ चुका हुआ है रिमेनिंग रह गया हमारे पास थ्री अब इन दोनों में देखें तो x प्लस थ्री में हमारे पास दोनों में वन कॉमन है ठीक है क्योंकि कुछ भी कॉमन ही नजर आ रहा इसलिए हम वन कॉमन लेंगे तो इधर मीनिंग रह गया x प्लस थ्री ठीक है वन कॉमन लेने से कोई डिफरेंस नहीं आता उसके बाद इन दोनों में देखें तो एक्स के और एक्स में हमारे पास एक्स कॉमन है एक्स कॉमन ले लिया इधर एक्स की पावर टू है हमने एक कॉमन लिया है एक बाकी रह गई प्लस ये एक्स हम कॉमन ले चुके हुए हैं इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास रह गया टू अब आगे देखें तो थ्री और सिक्स है थ्री और सिक्स दोनों थ्री के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं इसलिए हम दोनों से थ्री कॉमन ले लेंगे जब भी कॉमन लेते हैं तो हाइएस्ट नंबर हमने कॉमन लेना होता है ठीक है और थ्री और सिक्स में से थ्री कॉमन लिया ये थ्री कॉमन आ गया इसकी प्लेस पे यहाँ पे एक्स रह गया प्लस सिक्स में से थ्री कॉमन लिए है तो सिक्स को थ्री पे डिवाइड करें आंसर आएगा टू टू को यहाँ पे लिख देंगे दे ठीक है अब यहाँ पे देखें प्लस के इस साइड पे भी एक्स प्लस टू मौजूद है प्लस के इस साइड पे भी एक्स प्लस टू मौजूद है तो एक्स प्लस टू दोनों से कॉमन ले लेंगे ठीक है और इधर से एक्स प्लस टू कॉमन आ चुका हुआ है इधर रिमेनिंग हमारे पास एक्स रह गया वो एक्स हम इधर लिख देंगे ले ले ये प्लस हमने लिखा और ये सारी की सारी टर्म एक्स प्लस टू कॉमन आ चुकी हुई है और रिमेनिंग क्या रह गया वह है प्लस वन तो यहाँ पे आ गया प्लस वन आगे देखें तो एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री ये दोनों से कॉमन है तो एक्स प्लस थ्री को कॉमन ले लिया ठीक है और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया एक्स प्लस वन इसी तरह से इधर देखें तो x प्लस टू एक्स प्लस टू ये दोनों में कॉमन है तो x प्लस टू को हमने कॉमन ले लिया और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया x प्लस थ्री रह गया ठीक है अब यहाँ पे देखें तो x प्लस टू वन टाइम ये है वन टाइम ये है तो अगर हम इनको एक साथ क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन हो रही हो तो पावर्स एड हो जाती हैं जिस तरह एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्र हो जाता है इस तरह ये होल की पावर वन ये होल की पावर वन ऐड होके एक्स प्लस टू का स्केयर हो जाएगा ठीक है इसी तरह से एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन वन टाइम ये है वन टाइम ये है तो एक्स प्लस वन का स्केयर आ गया ठीक है जिस तरह वाई को वाई से मल्टीप्लाई करें तो वाई स्केयर हो जाता है वन पावर इसकी वन पावर इसकी बिल्कुल इसी तरह से एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री की पावर वन और वन हमारे पास आ गई टू ठीक है तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इन तमाम वैल्यूज़ को जो है फैक्ट्राइजेशन करने के बाद ये हमारे पास थ्री टर्म्स आ गई हैं ठीक है अब हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे जो कि सारे का सारा हमारा क्वेश्चन है उसको यहाँ पर लिखेंगे एक्स केयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू ये हमारी पहला एक्सप्रेशन और फिर है एक्स केयर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स केयर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री ये सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया जबकि थर्ड एक्सप्रेशन है एक्स केयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स स्केयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स और इन तमाम को फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो ये हैं तो उन आंसर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे क्या आंसर्स आए हैं इनकी फैक्टराइजेशन के बाद x प्लस टू स्केयर इंटू एक्स प्लस वन स्केयर ठीक है एंड इंटू एक्स प्लस थ्री स्केयर अब हमें क्या करना है ये हमारे पास वैल्यू थी इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद ये फैक्टर्स हमारे पास आए हैं अब हमें दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लेना है हम यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड ठीक है हम दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लेंगे तो दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की भी सारी की सारी वैल्यू के ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट इस सारी की सारी वैल्यू को हम स्केयर रूट के अंदर लिखेंगे और वैल्यू है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू ये फर्स्ट एक्सप्रेशन फिर सेकंड पे है एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री ये सेकंड ठीक है और थर्ड है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स है तो इस सारे के ऊपर हमने स्केयर रूट डाल दिया और इसकी फैक्टराइजेशन के बाद जो फैक्टर्स आए हैं उन फैक्टर्स को भी हम जो है वो स्केयर रूट के अंदर लिख देंगे तो एक्स प्लस टू होल स्केयर फिर एक्स प्लस वन होल स्केयर और फिर है एक्स प्लस थ्री होल स्केयर ठीक है तो यूँ देखें ये स्केयर स्केयर रूट से कट हो जाएगा ये भी स्केयर स्केयर रूट से कट हो जाएगा और ये भी स्केयर स्केयर रूट से कट हो जाएगा तो यूँ हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस थ्री ठीक है ये तमाम स्केयर इस स्केयर रूट से कट होने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इस सारी वैल्यू का स्केयर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस थ्री क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद बुक के लास्ट पे आंसर देख रहा तो आंसर में उसने इसको अरेंज करके लिखा हुआ है जो आंसर है तो आप भी इसको अरेंज करके लिख सकते हैं वो किस तरह से कि पहले आप एक्स प्लस वन को लिख लें ठीक है फिर आप एक्स प्लस टू वाली वैल्यू को लिख लें और लास्ट पे आप x प्लस थ्री वाली वैल्यू को लिख लें ठीक है अगर आप इस तरह से भी लिख लेंगे तो तब भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे नाइन्थ पार्ट की जानिब जाने से कबल मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें Uh, मैं एनालिटिक्स चेक कर रहा था अपने चैनल पे तो अभी भी तकरीबन 78 परसेंट ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बग़ैर सब्सक्राइब किए ही वो uh, वीडियोस देखी जा रहे हैं तो uh, आप सब ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूं मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आ, मैंने बहुत कम वीडियोस में अपने स्टूडेंट्स से कहा हुआ है कि सब्सक्राइब करें बिल्कुल आ, स्टार्ट की चंद वीडियोस में ही मैंने कहा हुआ है और कुछ मिड में किसी आ, वीडियो के लास्ट में कहा होगा आ, तो आ, उसके बगैर कहने के बावजूद भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 200 के प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हुए हैं तो आप सबकी प्यार मोहब्बत लव का मैं बेहद मशहूर हूँ थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी टू मेक सच काइंड ऑफ कॉन्टेंट थैंक यू सो मच आइए क्वेश्चन नंबर वन के नाइन्थ पार्ट की जाने में चलते हैं नाइन्थ पार्ट की जाने में चलते हैं हमारा क्वेश्चन है एक्स केयर प्लस एट एक्स प्लस सेवन फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास जबकि सेकेंड एक्सप्रेशन है टू एक्स केयर माइनस एक्स माइनस थ्री जबकि थर्ड एक्सप्रेशन है टू एक्स केयर प्लस इलेवन एक्स माइनस ट्वेंटी वन तो हमने इन तीनों की जो है वो सेपरेटली सेपरेटली इनकी फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स केयर और सेवन को हमने मल्टीप्लाई किया ठीक है तो हमारे पास आ गया सेवन एक्स केयर जबकि बिटवीन में हमारे पास है एट एक्स अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो सेवन एक्स केयर आ जाए और उन्हीं दो को प्लस करें तो एट एक्स आ जाए ठीक है तो अगर हम सेवन का ही टेबल चूज़ करें तो सेवन वन टाइम सेवन ठीक है और सेवन में वन प्लस करें तो एट एक्स हो जाता है ठीक है तो ये दो नंबर हम ले लेंगे सेवन एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन एक्स केयर आ जाता है मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और सेवन एक्स में वन एक्स प्लस करें तो एट एक्स भी आ जाता है ठीक है तो लिहाजा ये दो नंबर हम जो है वो यहाँ पे ले लेंगे सेवन एक्स और वन एक्स और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है वो वैसी की वैसी लिख लेंगे आगे सेकेंड वैल्यू देखें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें तो टू एक्स और माइनस थ्री एक्स थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स आ गया ठीक है टू एक्स माइनस थ्री आ गया माइनस सिक्स एक्स जबकि बिटवीन में है माइनस वन एक्स है अब हमें दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाए माइनस सिक्स एक्स और उन्हीं दो को प्लस या माइनस किया जाए तो आ जाए माइनस एक्स है तो अगर हम टू का टेबल चूज करें तो थ्री में से टू माइनस करें तो हमारे पास माइनस वन आ जाता है और अगर थ्री को टू से मल्टीप्लाई करें तो सिक्स भी आ जाता है लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इन दोनों में से किसका साइन हम जो है वो माइनस का रखेंगे कि माइनस एक्स आंसर आ जाएगा तो ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस का रखेंगे और स्मॉलर का प्लस का रखेंगे ठीक है ये माइनस में आएगा ये प्लस में अब देखें माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस थ्री टू टाइम सिक्स और एक्स और एक्स एक्स केयर मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ गया और माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस एक्स बी आ गया ठीक है तो ये दो नंबर जो है वो हमें मिल गए जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला आंसर और जिनकी सप्रेशन से बिटवीन वाला आंसर आ जाता है ठीक है तो लिहाजा हम इस दरमियान वाली वैल्यू की प्लेस पे लिखेंगे माइनस थ्री एक्स और प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स तो ये वो दो नंबर है हैं जो कि दोनों कंडीशंस पर पूरा उतरे हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड थे अब इसकी तरफ चलते हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ट्वेंटी वन और टू एक्स केयर माइनस ट्वेंटी वन और मल्टीप्लाई टू एक्सकेयर तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ट्वेंटी फोर तो आ गया फोर्टी टू साथ में माइनस है माइनस आ गया माइनस फोर्टी टू एक्स मल्टीप्लीकेशन से माइनस फोर्टी टू एक्स रिक्वायर्ड है जबकि बिटवीन में इलेवन एक्स रिक्वायर्ड है ठीक है तो टू के टेबल में देखें तो टू के टेबल में मल्टीप्लाई तो ट्वेंटी वन टू टाइम फोर्टी टू हो जाता है लेकिन इसको माइनस करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू नहीं आती तो अगर हम थ्री के टेबल देखें तो थ्री के टेबल में अगर फोटीन को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो थ्री फोर टाइम ट्वेल्व टू आ गया वन कैरी थ्री वन टाइम थ्री और वन फोर तो थ्री के टेबल में फोर्टी टू आ जाता है फोर्टीन को थ्री से मल्टीप्लाई करने से ठीक है और फोर्टीन में से थ्री अगर हम माइनस करते हैं तो फोर माइनस थ्री वन और वन तो सप्ट्रैक्शन करने से ये बिटवीन वाला आंसर भी आ जाता है ठीक है इट मीन्स के थ्री के टेबल से दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो फोर्टीन एक्स और थ्री एक्स ठीक है तो ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और अगर इनको सेपरेट करें तो दरम्यान वाला यानी इलेवन एक्स भी आ जाता है अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके साथ प्लस का साइन किसका लगाएं और माइनस का किसका लगाएं तो प्लस हम 14 के साथ लगाएंगे और माइनस थ्री के साथ लगाएंगे क्यों क्योंकि हमें प्लस इलेवन रिक्वायर्ड है बिटवीन में ठीक है इसलिए ग्रेटर वैल्यू के साथ हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे अब आ, हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वाली जो है वो वैसी की वैसी आ जाएगी तो यूं दो नंबर हमें मिल चुके प्लस फोरटीन और माइनस थ्री जिनको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ गया और इनको सेपरेट करने से बिटवीन वाला आंसर भी आ गया दोनों कंडीशंस पूरी हो गई अब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में देखें तो एक्स के और एक्स में से एक्स कॉमन एक्स कॉमन आ गया इधर एक्स की पावर टू है ए कॉमन आ गई एक बाकी रह गई प्लस ये एक्स कॉमन आ चुका हुआ है रिमेनिंग आ गया सेवन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा है। हम वन कॉमन ले लेंगे इधर रिमेनिंग आ गया एक्स प्लस सेवन तो आगे देखें तो इन दोनों में हमारे पास जो है वो टू है इधर थ्री है दोनों सेम टेबल पर डिवाइड नहीं होते जबकि इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है तो एक्स कॉमन ले लेंगे दोनों से इधर रिमेनिंग रह गया टू एक्स की पावर टू थी एक कॉमन ले ली एक बाकी रह गई उसके बाद माइनस और एक्स कॉमन लिया हुआ है इसलिए यहां पे आ गया थ्री उसके बाद इन दोनों में हमारे पास जो है वो टू एक्स और थ्री में कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा तो इसलिए हम वन कॉमन लेंगे इधर से वन कॉमन लिया इधर रिमेनिंग रह गया टू एक्स माइनस थ्री तो आगे देखें तो हमारे पास टू एक्स और फोर्टीन एक्स दोनों को टू पे डिवाइड हो जाते हैं तो दोनों से हम टू कॉमन ले लेंगे इधर एक्स के रहा है इधर एक्स है तो एक्स भी कॉमन ले लिया इधर से टू भी कॉमन आ गया एक्स की वन पावर भी कॉमन आ गई हो या रिमेनिंग एक्स रह गया प्लस आ गया ठीक है फोर्टीन में से हमने टू कॉमन लिए तो फोरटीन को टू पर डिवाइड करें तो रिमेनिंग आ जाता है सेवन तो इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा सेवन और एक्स तो हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा अब यहाँ पर देखें माइनस थ्री और चूँकि माइनस है स्टार्ट में तो हम माइनस कॉमन ले लिया और थ्री और ट्वेंटी वन दोनों थ्री के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं तो इसलिए हम माइनस थ्री कॉमन ले लेंगे माइनस थ्री कॉमन लिया इधर से इधर रिमेनिंग रह गया एक्स और जब माइनस कॉमन लिया जाता है बाहर तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है तो ये साइन माइनस से प्लस में चेंज और ट्वेंटी वन से थ्री कॉमन लिए हैं तो ट्वेंटी वन को थ्री पर डिवाइड किया आंसर आ गया सेवन तो इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा सेवन ठीक है अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखें x प्लस सेवन एक्स प्लस सेवन दोनों से कॉमन आ गया और रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी x प्लस वन और इन दोनों से देखें टू एक्स माइनस थ्री टू एक्स माइनस थ्री कॉमन आ गया और रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी x प्लस वन तो इधर देखें x प्लस सेवन एक्स प्लस सेवन दोनों से कॉमन आ गया और सेकेंड वैल्यू क्या आ गई टू एक्स माइनस थ्री अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x प्लस सेवन वन टाइम ये है x प्लस सेवन वन टाइम ये है तो प्रीवियस पार्ट की तरह इसमें भी वन पावर इसकी वन पावर इसकी एड होके एक्स प्लस सेवन का स्केयर एक्स प्लस वन वन टाइम एक्स प्लस वन टू टाइम तो इसलिए एक्स प्लस वन का भी आ गया स्केयर उसके बाद टू एक्स माइनस थ्री टू एक्स माइनस थ्री ये भी टू टाइम है तो एक्स माइनस थ्री का आ गया स्केयर तो 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 ठीक तो ते तो 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 है तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि इन सब के ऊपर स्केयर है तो हम एक ही जो है वो स्केयर के साथ इन सबको लिख सकते हैं ठीक है यानी तीनों वैल्यूज़ का होल के साथ इस तरह से स्केयर लिख सकते हैं ठीक है इस तरह स्केयर ब्रैकेट लगा के सबके ऊपर स्केयर है तो ए की होल के ऊपर स्केयर आ गया अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे और वो है एक्स केयर प्लस एट एक्स प्लस सेवन एक्स स्केयर प्लस एट एक्स प्लस एक सेवन फर्स्ट एक्सप्रेशन उसके बाद टू एक्स केयर माइनस एक्स माइनस थ्री टू एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस थ्री सेकेंड एक्सप्रेशन उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन है टू एक्स स्केयर प्लस इलेवन एक्स माइनस ट्वेंटी वन टू एक्स स्केयर प्लस इलेवन एक्स माइनस ट्वेंटी वन तो इन तमाम को फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या आ गए हैं ये सारे इनको हम यहाँ पे लिखेंगे और वो क्या है एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस थ्री और इस सारे के होल के ऊपर स्केयर ठीक है एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस थ्री और होल के ऊपर यानी इन सबको फैक्टराइज करने के बाद ये हमारे पास आंसर आया है तो इस सारे को हमने यहां पे लिख लिया अब इसकी दोनों साइड पे हम जो है वो स्केयर रूट ले लेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड हम दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लेंगे तो इस सारी की सारी वैल्यू के ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट और क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एट एक्स प्लस सेवन एक एक्सप्रेशन ये है फिर टू एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस थ्री सेकेंड एक्सप्रेशन ये है फिर थर्ड एक्सप्रेशन है टू एक्स स्केयर प्लस इलेवन एक्स माइनस ट्वेंटी वन ठीक है और इसके ऊपर भी सारे के ऊपर स्केयर रूट आ गया और इस सारे के ऊपर भी जो है वो स्केयर रूट आ जाएगा ठीक है और क्या है ये वैल्यू एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस वन एंड टू एक्स माइनस थ्री और इसके होल के ऊपर स्केयर ठीक है तो यूँ इस सारे के ऊपर भी हमने स्केयर रूट डाल दिया और इस सारे के ऊपर भी स्केयर रूट के अंदर इसको लिख दिया ठीक है अब इस सारे का स्केयर रूट इक्वल आ जाएगा ये स्केयर इस स्केयर रूट से कट हो गया तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है इसका वो आ गया x प्लस सेवन एक्स प्लस वन एंड टू एक्स माइनस थ्री ठीक है और यही हमारा आंसर है तो हमने क्या किया इन सब की फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बनाए सब के ऊपर स्केयर आया था होल के ऊपर स्केयर लिख दिया फिर हमने क्वेश्चन लिखा और उसके फैक्टर्स इस तरफ लिखे फिर दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लिया ये स्केयर स्केयर रूट से कट हो गया और यूं इस वैल्यू का स्केयर रूट इक्वल आ गया प्लस माइनस एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस वन एंड टू एक्स माइनस थ्री